प्रणाम। हाय खुशामुद्दीन, मैं तो अधूरा हूँ सबके बिन। आप कैसे हैं दोस्तों? वेलकम टू सत्य भैरवी चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के बारे में, इस पिक्चर के ट्रेलर के बारे में। उस पिक्चर का नाम है सैटेलाइट शंकर। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है नाम? आपको नाम से कुछ अजीब सा लगता होगा। ये शंकर तो ठीक है, पर सैटेलाइट शंकर नाम क्यों रखा गया है? दरअसल इस पिक्चर में जो हीरो का रोल कर रहे हैं वो है सूरज पंचोली, जो पुराने पिक्चर के एक्टर आदित्य पंचोली के जो बेटे हैं उस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो हीरो जो है एक आर्मी के रोल में दिखाई देते हैं, जो आर्मी में होते हैं और शिव भगवान के भक्त होते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं, इसलिए वो साथ में रोज भगवान की पूजा करते हैं। और ट्रेलर में आपको देखने को मिलता है कि शुरुआत में अंतरिक्ष दिखाया जाता है, जिसमें एक सैटेलाइट घूमता हुआ आता है, जैसे हमारे चंद्रयान 2 की तरह, और उसी तरह हमारे इस हीरो को भी दिखाया जाता है सुरेश पंचोली, जो आर्मी में होता है, जो बॉर्डर में होता है, वो शिव जी को मानते हैं और वो भी इसी तरह अपने दोस्तों को भी मनाते हैं और एकदम खुश खुश मिजाज रहते हैं, दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, आर्मी में रहते हैं। और फिर उन्हें छुट्टी की जरूरत पड़ती है कि उन्हें घर जाना होता है, अपने माँ से मिलने का मन करता है, और इसलिए वो अपने उच्च अधिकारी से पूछते हैं कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, मैं छुट्टी चाहिए सर। तो ये कहते हैं कि आर्मी का वचन मत भूलना, होता जी हाँ सर करके वो अपनी दोहराते हैं और बिल्कुल एक आर्मी की तरह दिखाते हैं। जैसे आपने कई पिक्चर देखा होगा, किसी भी इंडियन आर्मी की पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा कि एक वीरता की तरह दिखाया जाता है, पूरे लड़ाई दिखाई जाती है, पूरे वॉर फील्ड दिखाया जाता है। इसी तरह एक आर्मी की मूवी और आर्मी को इसी तरह प्रेजेंट किया जाता है हमारे हर एक हिंदी पिक्चर में। पर आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा जो हमारे सूरज पंचोली जो है, जो बल्कि बॉर्डर पे से में कम और देश के अंदर चलने वाले रोजमर्रा की जिंदगी में उस वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। और ये सफर शुरू होता है जब वो अपने जहाँ पे बॉर्डर से लेके अपने घर तक पहुंचने तक जितनी भी समस्या रास्ते में उनको झेलनी पड़ती है, जो वो सरप्राइजली अपने घर पहुंचना चाहते हैं, अपने माँ से मिलना चाहते हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी लोकल एरिया के गुंडों से लड़ना पड़ता है। और वो जब उन्हें कहते हैं कि मैं एक आर्मी वाला हूँ, तो उनकी उड़ाई जाती है कि आप आर्मी है तो सरहद में खड़े रहो, बॉर्डर में खड़े रहो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमसे क्यों लड़ रहे हो, इसे दिखाया जाता है। पर दरअसल एक आर्मी वाला होने के नाते, एक फौजी होने के नाते उसका फर्ज बनता है सिर्फ सरहद में होने वाली दुश्मन से लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे देश के अंदर बेमतलब की लड़ाई को भी रोकना और उसे जहां तक हो सके बिना लड़े उसे संभालना ही उनका फर्ज होता है। और सिर्फ इतने अच्छी तरह दिखाया जाता है कि आर्मी वाले को हम हर तरह के उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी जान जोखिम में छोड़ के और अपने माँ को छोड़ के अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो अपने सरहद में खड़े रहते हैं, अपनी जान हथेली में रख के ताकि हम चैन से सो सके और हम चैन की सांस ले सके। इस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है और पिक्चर के ट्रेलर में दिखाया गया है। और हीरो जाते हैं, एक बच्चे को बचाते हैं और एक ट्रेन आती है और एक ट्रैक्टर से ट्रक को खींच लेते हैं और थोड़े लोकल एरिया गुंडे मावाले से लड़ते हैं। फिर एक पुलिस के हाथ में लग जाते हैं, जो पुलिस की रोल कर रहे हैं इसमें भूपेंद्र लिमाया और जो होते हैं, और उनकी सपोर्टिंग एक्ट्रेस है छाया कदम, जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस काफी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने भी, और हमारे जो पुलिस के रोल कर रहे हैं उपेंद्र लिमाए काफी अच्छा एक्टिंग की उन्होंने भी, और हीरोइन की रोल कर रहे हैं मेघा आकाश, जो साउथ इंडियन एक्टर्स हैं, काफी तमिल और तेलुगु पिक्चर में एक्टिंग कर चुके हैं और इस पहली बार हिंदी पिक्चर में डेब्यू कर रहे हैं, इसलिए इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं एक हीरोइन की तौर में। और सपोर्टिंग एक्टर्स है पौलोमी घोष, जो सपोर्टिंग एक्टर्स है काफी अच्छा, उनका भी सपोर्टिंग एक्टिंग ट्रेलर में देखने को मिलता है, काफी अच्छा ट्रेलर है। देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगी तो किस तरह ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस में कमाल कर पाएगी और कितना कमा पाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आपका सजेशन लाइक और कमेंट्स मुझे काफी मायने रखते हैं, और जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। आपका ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने घर में परिवार का सबका ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।